तो देखो दोस्तों, मेरे को किसी ने कमेंट करा है अभी। अगर ये कमेंट दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट लगा ही दूंगा। तो इन्होंने कमेंट करा है कि फिर बोलो, इतना सब झेलते हुए भी बेटी को खुश रखते हैं और फिर ससुराल वाले बेटी को दुख दे तो कैसे सहन होगा। ठीक है जी, इन्होंने बोला है। तो बेसिकली बोला किस वीडियो पे है, वो मेरी वीडियो पे बोला है जिसमें मैं एनी को लेकर ऐसे मतलब कि थोड़ा डांस सा कर रहा हूँ, और उस पर ऊपर लिख रहा है बाप बेटी एट 2 AM, मतलब कि रात के 2 बजे तक, मतलब कि बच्ची जागती है उसके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में अगर बेटी के ससुराल में अगर बेकार उसके ससुराल वाले रखने लग जाए तो मतलब क्यों ना, मतलब कैसे सहन हो जाएगा वो चीज़। तो ऑब्वियसली इन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं जो मैं पहले बोलता हूँ कि शादी के बाद जब ऑब्वियसली लाइफ चेंज होती है एक लड़की की, जब वो ससुराल में जाती है, ऑब्वियसली लड़के की भी जब शादी हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी है। तो किसी वीडियो में मैंने ये भी बोला है कि लड़की की गलती होती है कहीं कहीं, तो ऑब्वियसली उसी थॉट प्रोसेस से इन्होंने कमेंट भी कर दिया है। तो ऑब्वियसली इन्होंने कमेंट करा है कि मतलब जब माँ बाप इतने उस तरीके से इसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं लड़की को, और उसके बाद अगर ससुराल में बुरा हो जाता है तो क्यों सहन होगा। मैं आपको ना एक सच्चाई बताता हूँ, और ऑब्वियसली जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, अब आपको बुरा लगे ना लगे, किसी और को बुरा लगे, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, तो मैंने सोचा हाँ ये थोड़ा सा नया था, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये चैप्टर होता है ना, बहुत पहले शुरू होता है। अब मैं हूँ, मैं फादर बनाऊँ, ठीक है, मेरी एक बेटी है, तो मेरी एक बेटी है, मैं उसको अच्छी तरीके से रख रहा हूँ, पर क्या मैं दूसरे की बेटी की तरफ गंदी नज़र तो नहीं रख रहा हूँ, या फिर मैं दूसरे की बहू को के बारे में कोई बुरा भला, या फिर मैं किसी और के लिए गलत तो मेरा व्यवहार नहीं है, या फिर मैं किसी तरीके से मतलब मेरा बिहेवियर जो दूसरी लड़कियों के लिए बहुत ख़राब हो, या फिर मैं क्या पता बहुत बकवास हूँ दूसरी लड़कियों के लिए, लेकिन हाँ अपनी के लिए मैं बहुत बढ़िया हूँ। अगर इस तरह का अगर मेरा नेचर है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई भी अगर ऐसा माँ बाप है कि अपनी बेटी को तो बढ़िया तरीके से रख रहा है लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए उसका नेचर बहुत ख़राब सा है, ठीक है, उसको तो पता होता है, चाहे किसी दूसरे को पता हो या ना पता हो, लेकिन इंसान को खुद को पता होता है वो कैसा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब लड़की की शादी हो जाती है तो हमेशा लड़की माँ बाप का कर्म भोगती है। अब आपको ये सुनकर ऐसा लगेगा कि यार ये तो अलग ही चैप्टर शुरू कर रहा है, मतलब लड़की शादी होने के बाद अपने माँ बाप का कर्म क्यों भोगेगी। लेकिन होता ऐसा ही है। अब इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कैसे होता है। चलो ठीक है, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है ना, देखो अभी की जनरेशन तो थोड़ी सुधर रही है, सोशल मीडिया से लगा लो या फिर सही ज्ञान प्राप्त कर रही है, तुम सोशल मीडिया पे देखोगे और अब नॉर्मल घरों में भी देखोगे लड़की होने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा मतलब के मैसेज देते हैं। लेकिन अगर हम आज से 15-20 साल 25 साल पहले चले जाएं, जो कि जो लड़कियां मान लो आज शादी के लायक हैं, तो जब वो पैदा हुई होंगी आज से 20-25 साल पहले, उस टाइम पे 99% लोग, मतलब कि 100 में से कोई एक ही होता होगा जो बेटी होने पे, मैं यार ये प्रैक्टिकल है, इसको ये मत सोचना मेरे पापा तो ये मेरी मम्मी तो अच्छी थी, यार ऐसा नहीं सोचा, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। जब लड़की चाहे माँ बाप को बेटी अच्छी लगे, पर ये समाज, ये सारे रिश्तेदार इस तरीके के होते हैं ना, आपको इस तरीके महसूस करवा देंगे कि यार बेटी हुई है, तो वो माहौल इस तरीके से बन जाता है। तो ऑब्वियसली जब लड़की बड़ी हो रही होती है तो माँ बाप भी इसी सोच में चले जाते हैं, यार अब इसको बड़ा करना पड़ेगा पाल पोस के, अब इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें खर्चा होगा, उसके बाद इसका शादी का जोड़ेंगे, ठीक है। और जब तक उससे कोई लगाव, कोई प्रेम कुछ नहीं होता है बेसिकली, मतलब जो शादी के बाद एकदम से माँ का बेटी, जब बेटी ससुराल चली जाती है ना, जो लगाव माँ का बेटी से एकदम शादी के बाद होता है ना, जब वही लड़की घर घर में पल रही होती है सारी चीज़, तब इतना लगाव नहीं होता, तब ये डर में जीते हैं कि यार अब पढ़ाई में खर्चा, कहीं नाक ना कटवा दे, कहीं ऊंची नीच ना हो जाए, इस तरह के डर में उसको बड़ा करते हैं, फिर उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बाप की कैटेगरी भी गिन लेते हैं। मान लो एक बाप अपनी बेटी को सही तरीके से मतलब पाल रहा है, पोस रहा है, मान लो मेरा जैसे एनी का एग्जांपल ही ले लेते हैं, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार कर रहा हूँ, राइट, पर क्या मेरी दूसरी की बेटी के लिए सही नज़रें हैं, क्या मेरा बिहेवियर दूसरों की बेटियों के लिए अच्छा है, क्या मैं दूसरों की बहुओं के लिए क्या सही बोल रहा हूँ, क्या मतलब मैं किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे अंदर सच में कितनी कमियाँ हैं वो मुझे तो पता होंगी, चाहे किसी दूसरे को पता हो या ना पता हो, कर्म तो तुम्हें खुद को ही पता होता है कि तुम असल में कैसे हो।
तो मान लो इफ इन केस कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को प्यार कर रहा है लेकिन दूसरों की बेटियों के लिए तुम्हारे मन में धारणाएं कुछ बेकार गलत गलत हैं और सबके बारे में तुम गलत गलत तरीके से सोचते हो, और बेटी जब शादी होकर जब दूसरे घर चली जाती है और वो दुख अगर पाती है तो उसको पहले मान लो कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्म है। चलो इस चीज़ को ऐसा भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लड़की तो शादी होकर चली गई, वो दूसरे घर में है तो दूसरे घर के लोग जिस तरह के उसको मिले इस तरह का वो भोग रही है। चलो इस तरीके से भी मान लेते हैं कि बेटी के साथ जब वो बहू बन जाती है दूसरे घर में जाती है तो लोग बेकार हो जाते हैं और वो उस तरीके से ट्रीट होती है वो लड़की। वो लड़की सेम लड़की जब अपने ससुराल में गलत ट्रीट हो रही होती है उसको अपनी सास अपना ससुर या फिर अपनी ननद या फिर जो भी ये रिलेशंस होते हैं बहुत घटियापन जब इनमें नज़र आ जाता है, जब उसके खुद के घर में वापस आते हैं, उसके घर में भी एक बेटा होता होगा ऑब्वियसली उस लड़की का भाई, जब उसकी शादी होती है तो उस लड़की की नज़र में और उस लड़की की माँ की नज़र में और उस लड़के के बाप की नज़र में वो बहू भी क्यों गलत होती है। और यहाँ सेम प्रोसेस चल रहा होता है, उस बहू की नज़र में सेम अपनी ननद गलत होती है, उस बहू की नज़र में माँ भी गलत होती है और उस बहू की नज़र में ससुर भी गलत, मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल दोनों तरफ है। तो ये भगवान को ना ऑलरेडी पता है, इफ इन केस लड़की दुख भोगती है ना तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं तुम्हारे माँ बाप की सोच भी ऐसी रही है कि अपने बेटे की बहू को भी तुम ऐसे इस तरीके से रखोगे, और तुम ये प्रैक्टिकली होते हुए देखते हो। लेकिन वहां पे ना तुम्हें एक इंद्री जो तुम्हें कभी जो तुम कभी काबू में नहीं कर सकते, वो इंद्री क्या है कि अपनों का प्यार। एक लड़की अपनी बहू के साथ, चाहे एक लड़की की माँ अपनी बहू के साथ वही सब कर रही है जो उसके साथ हुआ है, लेकिन उस लड़की को अपनी माँ बिल्कुल सही लगेगी। क्यों? क्योंकि अपनों का प्यार। ठीक है, उस लड़की को सेम उस लड़की को जिसके साथ गलत हो रहा है उस लड़की को उसी उसके अपने घर में जो एक उसकी घर की बहू है उसके साथ गलत नहीं दिखता है, उसको अपनी माँ सही दिखती है, उसको अपना सब कुछ सही दिखता है, लेकिन उस बहू के साथ गलत होता हुआ नहीं नजर आता। इसको कहते हैं अपनों का प्यार, जो इंद्री जो तुम्हें और ज़्यादा गलत करवाती है, और यहीं से तुम दोनों का घरों का सारा गलत करना शुरू हो जाता है। इसलिए तुम देखोगे ना आसपास के सारे घरों में ना, तुम अगर प्रैक्टिकली ये चीज़ सर्वे होने लग जाए ना तुम्हें पता लगेगा, अगर तुम एक घर में घुस रहे हो, अरे हमारी तो बहू खराब है, अरे अपना आप कुछ भी काम कर लो, अरे ये तो ऐसी है, अरे ये तो वैसी है। ठीक है, बहू कहेगी मैं तो सब यही ऐसे हैं जी, मैं तो बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझमें। तो सेम सर्वे होता है उस लड़की के घर में, तो लड़की के घर में भी क्या बोलेंगे, हमारी बेटी देखो वहां पे कैसे एडजस्ट कर रही है, सब कुछ तो देखो उसने सब कुछ सह लिया है, हमारी बहू बेकार है ये, या पहनाव है कुछ भी, या ने तो हमारी ऐसी की तैसी कर रखी है। तो देख रहे हो दोनों चीज, मतलब इंसान इतना, भगवान ने दिमाग दे के भेजा है लेकिन दिमाग को घुटनों में, हकीकत में सारे इंसान लड़कियों के घुटने में, वैसे वैसे ये तो मीम है, ये लड़कियों के घुटने में नहीं होता है, ये सारे इंसानों के घुटने में है। देखो सेम चीज दोनों जगह है, लेकिन जब अपने पे बात आएगी पता हूँ क्या बोलते हैं, हमारी सिचुएशन अलग ही। ठीक है ना, ये भाई सिचुएशन हर जगह सेम ही होती है, तुम गलत हो इस वजह से तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम गलत हो शायद तुम्हारा भोगना तुम्हारा बच्चे कर रहे हैं, तुम गलत हो तो सुधर जाओ। तो ये था आपके जो भी आपने पूछा है इसका रिप्लाई, सुधरना पहले खुद को पड़ेगा, यानी कि आज के प्रोसेस से मैं अभी से लगा लूं, अगर मैं अपनी एनी की बात करूं, चाहे एनी है चाहे दूसरों की बेटी है चाहे दूसरों की बहुएं हैं, मैं सबके बारे में बराबर होना चाहिए हूं। सही, अगर कोई चीज़ एनी के लिए गलत है तो वो दूसरों के लिए भी गलत होनी चाहिए। मैं पहले अपने आप को सही बनाऊंगा तो ही तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी बेटी के साथ सब कुछ सही होगा। समझो यार, और कुछ पूछना है ना इसमें पूछ लेना। और इफ इन केस जो समाज के थोड़े होती है लोग है, इफ इन केस दे वॉन्ट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन और कुछ कुछ वैसे बकना चाहते हैं कि ओ तेरो बहुत ज्ञान हो, कर लो कुछ ना, घर तुम्हारे बर्बाद हो रहे हैं मैं जानूंगा चीजें ना। ठीक है, तो ऑलवेज स्माइल, तो अपने आप को सुधारो वो ज्यादा बढ़िया है।